मथुरा के थाना फरहे के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस की टेबल पर रुपयों की गड्डी फेंक रहे हैं। थाने के अंदर पुलिस कर्मी और फरियादी पक्ष के लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में यह सब भी दिख रहा है। फरियादी अपनी जेब से पैसे निकाल कर पुलिस वालों के टेबल पर रख देते हैं। पैसे रखने के बाद पुलिस वाला अपनी कुर्सी को छोड़कर चल देता है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फरह क्षेत्र में बेगमपुर धकोला गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से विद्युत सप्लाई की तार से एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसकी FIR कराने कुछ ग्रामीण थाना पहुंचे, लेकिन पुलिस ने विद्युत विभाग अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, जिसका विरोध करते हुए रिश्वत के तौर पर रुपयों की गड्डी पुलिस की टेबल पर फेंक फेंक कर मारी। हालांकि SSP ने मामले की जांच कर रुपयों की गड्डी फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस के कानों में जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले कार्रवाई की एवज में पैसे मांग रहे थे, इसलिए वह आज रुपयों की गड्डी लेकर यहां पहुंचे थे। पीड़ितों का कहना है कि बिजली के खंभे में करंट आने से युवक की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार जब बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने रिश्वत की मांग की। रिपोर्ट न लिखे जाने से परेशान होकर उन्होंने नोटों की गड्डी SO के टेबल पर फेंकी। FIR नहीं कर रही है, सुबह से बैठे हैं या पूरा गांव बैठा है, सबको परेशान कर रहे हैं। निवासी ग्राम बेगमपुर थाना पर एक पैसे की लेन देन की वीडियो थाना पर वायरल हो, क्या मामला था ये पूरा? बात ये थी जी कि मेरा भाई जो छोटा धनीराम खत्म हुआ, उसकी डेड बॉडी को लेकर हम हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर वहाँ मृत घोषित करने के बाद हम टेरी लेकर के मैंने अपने नाम से प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के उपरांत इन्होंने हमें लालच देते रहे कि हम तुम्हारा कार्य कर देंगे, तुम्हारा कार्य कर देंगे, लेकिन देखते देखते 9 बजे से लेकर के मुझे 2 बजे तक बैठा दिया गया। और लास्ट में मेरे सामने ये समस्या खड़ी कर दी कि भाई हम तुम्हारा कार्य इस तरह से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कुछ लोगों के मुझे ज्ञात सूत्रों से पता चला कि ये रिश्वत लेकर के सारा काम करते हैं, वैसे ये काम नहीं करते हैं। उसके साथ भी हमारी जो चौकी इंचार्ज है उसके द्वारा भी मुझे हड़काया गया, और हड़काने के बाद में मेरे साथ में बदतमीजी करने को उतारू। चौकी इंचार्ज कौन से? चौकी इंचार्ज चंद्रवान सिंह। और मुझे हड़काया, मैंने कहा तुम्हें बोलने की तैयारी आनी चाहिए, मेरी उम्र 70 साल, आज मेरा भाई मर गया है, उसके बच्चे विकलांग हैं, मैं केवल तुमसे भीख मांगने नहीं आया, मैं केवल अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों की थोड़ा जीवन यापन के लिए मैं चाहता हूँ। कितने रुपए की मांग की गई? मेरे से कहा गया कि भाई 50,000 नीचे से कम नहीं चलता, अगर ज़्यादा से हो जाए तो मैंने इसके लिए मैंने कह दिया कि मेरे पास तो नहीं है, मैंने उनके अपने भाई से अपने भतीजे बच्चों से कहूँगा ये आपको दे के अपना काम करा सकते हैं। उसके उपरांत जब इनसे बात हुई तो ये बोले कि मेरे अधिकारी से बात करिए, उसके बाद में आपका काम होगा। अच्छा, फिर 50,000 रुपये की बात हुई आप लोगों की, कितने रुपए की बात हुई? हाँ, मेरी बात नहीं हुई, फिर उन्होंने एक आगे पीछे मेरी बात नहीं हुई, इनसे बात हुई होगी। अच्छा, मैंने तो अलग हट गया उनसे, इनके कहने के बाद में मैंने कि मेरे पैसे नहीं दे सकता, मेरी डर तो मेरे भाई खत्म हुआ है, क्या मैं पैसे दे करके अपने भाई की डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराऊंगा या FIR कराऊंगा? आपको न्याय नहीं मिल पाया? मुझे न्याय नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे अन्यायी को, ऐसे मतलब अवैध जो कार्य जो करते हैं पब्लिक के प्रति, ऐसे अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए, और प्रजा का जो पुलिस सहायता के लिए बनाई गई है, जो प्रजा की पब्लिक की सहायता के लिए जो वही पुलिस अधिकारी पुलिस पब्लिक का शोषण करेंगे तो ये प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? तो मेरा निवेदन है
के जो है हमारे साथ में न्याय किया जाए। सर एक थाना फरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की टेबल पर पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या है सर पूरा मामला? इसके अंदर जो जानकारी प्राप्त हुई तब उसमें लगभग 7.5 साल हुए, इर्विनी राम नाम के व्यक्ति की जो कि बेगमपुर थाना फरा के निवासी है, उनकी करंट लगने से मृत्यु हुई। इस संबंध में सबसे पहले 10 बजे जो सूचना दी गई उनके भाई द्वारा, उसमें यह कही अकस्मात घटना की दी गई करंट लग गया जो अभी तक जानकर प्रकाश में है। उसके तुरंत बाद ही उनके घरवाले पहुँचे और उन्होंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आईएफ। इस संबंध में थाना अध्यक्ष द्वारा इनको ये बताया कि वहाँ पर अलग अलग तहवीर देने तुरंत बात आई, तो उसके बाद उन्होंने जैसे वहाँ पर जो आप बता रहे हैं वीडियो वायरल होने की स्थिति है, तो कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर पैसे की गलती फेंक कर ये आरोप लगाया गया और इस संबंध के अंदर मुद्दे के अंदर तस्करा भी डाला गया। जो दूसरे लोग इसमें प्रकाश में हुए जिन्होंने इस तरह से नाम लिया और अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, उसकी विधि कार्रवाई भी की जाएगी। इसके पहले मैंने क्षेत्राधिकारी को जहाँ पर मौके पर भेजा है उन सभी तथ्यों से भेंट हुई है। वर्तमान में जो सिविल रिफाइनरी है उस पर आने की भी मौजूद है, सारे तथ्यों की जो है जाँच कर रही है और इसके अंदर जो सत्यता निकल के आएगी तदनुसार उस प्रकरण के अंदर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।